ये एकदम एकांत में सन्नाटे में ये जगह है लोकेटेड। जंगल होम को 5 out of 5 दूंगा। हमसे बोला गया है कि इस गेट से बाहर अगर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा लेपर्ड और टाइगर का मूवमेंट देखा गया। सो फिलहाल ये है रिसोर्ट जो है ये गुमनाम है। दे हैवंट इवन क्रिस्टेंड इट। वाओ कितना मस्त लग रहा है। वंडरफुल मटन। ये अपनी पहाड़ी दाल आ गई है। ये अपनी मड़वे की रोटी है। जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं यहाँ पे, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ रागी। रागी को हमारे यहाँ मड़वा बोला जाता है। ये उसी चीज़ की रोटी है। सो गाइस डिनर तो हो गया। भैया का फ़ोन आया था कि द लेपर्ड हैज स्टार्टेड ग्राउलिंग उनके यहाँ पे। यहाँ पे भाई साहब फिशिंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू येट अनदर मॉर्निंग इन उत्तराखंड। आज आखिरी दिन है एंड वी आर गोइंग टू डिसेंड डाउन टू द प्लेन्स और ड्राइव बैक टू दिल्ली। सो गाइस जो नज़ारा मैं कल नहीं दिखा पा रहा था आपको, सिंस इट वॉज फॉगी, वो आप अब देख लीजिए। ये इस इलाके से साइट सीइंग। ऊपर हमारी गाड़ी खड़ी है। ये एकदम एकांत में सन्नाटे में ये जगह है लोकेटेड और बहुत ही अच्छा व्यू आपको यहाँ से मिल रहा है। और 800-1000 रुपये में क्या है यार। तो चलिए अब फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद मैं तो सोच रहा हूँ निकलूँ यार। वील हैव ब्रेकफास्ट ऑन द वे। अंकल आंटी क्या खाए, पराठे? चलिए देखते हैं। सो पीपल इट्स टाइम टू मूव ऑन। बने रहिए इस सफ़र में एंड चलिए चलते हैं वापस दिल्ली की ओर। बहुत मस्ती हो गई, कल से जॉब भी ज्वाइन करनी है। मिलते हैं। तो गाइस वापस जाते हुए स्टीप क्लाइंब है तो ये फर्स्ट गियर में ही करनी होगी मुझे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छे लोग, इनके गेस्ट जो जेंट्री भी आती है, अमेजिंग पीपल। तो भैया मैं तो इसको जंगल होम को 5 out of 5 दूंगा। दिस प्लेस इज इनक्रेडिबल, ज़रूर आइए। अंकल आंटी की चाय की दुकान तो आ गई। पहले मैं सोच रहा था, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा यहाँ पे हम एक दो बार रुके, इस बार कुछ नया करेंगे तो विल स्किप दिस। कितने आदमी थे। हाँ जी, किसकी याद आई? गब्बर सिंह की। ये लीजिए गब्बर ब्रिज। कोई जगह मिली है मेरे को, रूफ टॉप रेस्टोरेंट। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। एक पराठा कर दीजिए, एक टिक्की मक्खन की डाल देना और एक कॉफी कर देना आप जी। कॉफी। सो गाइस ये रोकी है मैंने कालाडूंगी से करीबन 10-15 किलोमीटर पहले। ये एक फूड वैन दिखी मेरे को, फूड क्लासिक्स करके, एंड दे हैव अ मचान सिस्टम। नीचे इन्होंने ट्रक लगा रखा है टाटा का और ये ऊपर मचान है। और आई ऑर्डर्ड आलू का पराठा एंड कॉफ़ी। सो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको रूफ टॉप पे ले जाता हूँ। सो यहाँ पे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट है मचान स्टाइल। वाओ मज़ा आ गया। और यहाँ से पीछे ये जंगल है और ये रोड ऊपर नैनीताल की तरफ जा रही है। सो गाइस खाना तो आ गया है, आलू के पराठे, कॉफ़ी एंड चटनी। तो चलिए खा के बताते हैं कैसा है। बढ़िया है, इट्स डन प्रीटी वेल। थोड़ा सा चटनी देखता हूँ। ये समझ में नहीं आई, इट इज़ बासी है, बट पराठा एंड मक्खन इज गुड। सो गाइस ब्रेकफास्ट इज डन, इट वॉज प्रीटी कूल। पराठा वॉज गुड, कॉफी वॉज ओके, चटनी वॉज गुड। अब आप यहाँ से निकलते हैं। अब हम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे काफ़ी धूप दिख रही थी, अब देखिए हल्का हल्का
फॉग आना शुरू हो गया। सो गाइस लेट्स गो, सो गाइस लेट्स गो। खाना पीना हो गया, प्रीटी नॉमिनल एज वेल। कॉफ़ी और पराठा 70 रुपये पहली। ओके, कंसिडरिंग इतनी दूर यह गाड़ी लगा रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आप लोगों से मैंने बोला था कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, सो थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हुआ और जिम कॉर्बेट में मेरा थोड़ा सा रुकने का मन कर गया था, तो यहाँ पे आउटस्कर्ट्स में हम आ चुके हैं और पीछे गाड़ी पार्क्ड है। एंड इफ यू कैन सी, अभी दिखा दो अंदर आराम से जिस रिजॉर्ट में हम रुके हुए हैं। सो यहाँ के जो ओनर है उन्होंने हमें एडवाइस किया है कि अब जैसे कि सनसेट होने वाला है पीछे, लुक एट द ब्यूटीफुल सनसेट, एक्सक्यूज मी। सो हमसे बोला गया है कि इस गेट से बाहर अगर जाते हैं अंधेरा होने के बाद मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेपर्ड और टाइगर का मूवमेंट देखा गया। बट अ ब्यूटीफुल प्लेस, लेट मी गिव यू अ स्पिन ऑफ दिस प्लेस। सो फिलहाल ये रिसोर्ट जो है ये गुमनाम है, दे हैवंट इवन क्रिस्टेंड इट। बहुत सारे आम के पेड़ है यहाँ पे, जिसमें कि बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छी पैदावार होती है आम की। सो बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर, आबादी दीन दुनिया से दूर। सो एक रूम हमने लिया है, दो रूम का इनके पास एक छोटा सा कॉटेज है। द रूम इज़ प्रीटी कोजी एंड कंफर्टेबल। सो रात को यहाँ पे बैठने वाले हैं एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, इज़न्ट इट अमेजिंग। चलिए अब अंदर का दिखाते हैं आपको। सो ये है कुछ रूम का व्यू, अमेजिंग। दे गिवन अ फ्रिज एंड फ्री कंफर्ट। वॉशरूम मैंने देखा नहीं, वाओ, वॉशरूम भी काफी साफ सुथरा है। सो चलिए लेट्स वेट फॉर द सनसेट एंड कुछ यहाँ से रात के शॉट्स लेंगे। फिलहाल तो आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक, बट देन आई हैव बीन आस्क्ड नॉट टू गो बिकॉज यहाँ पे एक लेपर्डस है जिसका भी काफ़ी एक्टिव मूवमेंट है। सो जान है तो जान है, सो वी विल सिट हियर एंड रिलैक्स। सो गाइस सनसेट तो हो चुका है बट थोड़ी सी सनलाइट बाकी है। सो ऑल्दो हमें बोला गया था कि डू नॉट स्टेप आउट, लेकिन ठीक है, आई हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ द जंगल, having you know since I was raised in this part of the world, so थोड़ा आसपास का एरिया मैं आपको दिखाता हूँ ज़रूर। सो अगर आप ये देखिए एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल डेंस फॉरेस्ट और यहाँ से लेपर्ड का मूवमेंट होता है क्योंकि यहाँ आगे एक वाटर सोर्स है जहाँ पे ये जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। इधर नीचे एक नदी भी है जो अभी सूखी हुई है, मानसून में उसमें काफ़ी पानी हो जाता है। सो ये मेन रोड है यहाँ की, अगर आप देखें। बेसिकली ये पूरा जंगल एरिया और इसमें दिक्कत ही, अब ये देखिए यहाँ पे आपको पानी दिख रहा होगा, देखिए आप जी। सो ये वाटर सोर्स है जहाँ पे जानवर पानी पीने आते हैं। ये काफ़ी छोटा सा लग रहा है लेकिन ये थोड़ा आगे भी काफ़ी मार्शेस हैं। सो हमें बोला गया है कि इसीलिए थोड़ा सा आप सतर्क रहिए और ट्राई नॉट टू कम आउट। सो ठीक है भैया, जो यहाँ के लोकल्स उनकी बात माननी ज़रूरी है, राइट। कोई वेपन भी नहीं है मेरे पास अभी। सो आई होप रात में कुछ आवाज़ें आएँ, अभी तो इट्स टू अर्ली, अभी सनसेट हुआ हो गया है लेकिन। सो चलिए वापस आ जाते हैं, गेट बंद कर देते हैं एंड होपफुली अगर कुछ हो तो दिखेगा यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे एक लेपर्डस है जो बोल रहे हैं, अभी तो खैर इनका मीटिंग सीज़न है नहीं तो इट्स ओके, लेकिन मीटिंग सीज़न के समय काफ़ी ज़्यादा फिरोशस हो जाती है। एक सेकेंड दीजिए, इसको ताला लगाया जाए गेट का। दिस वॉज द टूर। वाओ कितना मस्त लग रहा है,
आई डोंट नो अगर आपको चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, पीछे डीजे की ज़रूर आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये जो रिजॉर्ट के ओनर है वो पीछे रहते हैं, उनके आई गेस कोई फंक्शन चल रहा है। सो दैट्स अबाउट इट। बॉनफायर के लिए बोला वैसे ज़रूरत तो है नहीं। सो यार ये आम के पेड़ इतने हैं ना, वाओ इनका भी मोटा ठेका जाता होगा। ऑसम। सो चलिए, शाम का समय बनने वाला है। द सन इज़ गॉन डाउन, इट्स क्लोजर टू क्वार्टर टू सिक्स, सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड इवनिंग। यहाँ पे मिलते हैं आपको आगे। सो गाइज, द नाइट एन्जॉयमेंट इज़ ऑन। आई एम रियली हैविंग अ ग्रेट टाइम हियर। यहाँ पे अभी ओनर थे इस रिजॉर्ट के मेरे पास, एंड अभी गए मेरा डिनर लेने के लिए। सो वीव ऑर्डर्ड मटन करी एंड राइस फॉर मिसेल। इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट जिम कॉबिट, और जो मेन स्ट्रीम जिम कॉबिट है वो नहीं, जो एक्चुअल जिम कॉबिट का एरिया, आउटस्कर्ट्स का एरिया, ऐसी जगह है जहाँ पे ना सफारी जाती हो ना कुछ, जहाँ पे आप नेचर वॉक करने के लिए जाएं और हाँ आपको वहाँ टाइगर दिख जाए। सो हाँ, ऐसे शख्स से आपको मिलाऊंगा जिसने वो सारी चीज़ें करवा रखी हैं और करवाते हैं। सो थोड़ी देर का इंतज़ार है, बने रहिए मेरे साथ, जैसे वो आते हैं आपके साथ उनको रूबरू करवाता हूँ। तो अभी रात का माहौल हो गया गाइस, जब तक भैया नहीं आ रहे। चलिए, ये जो इलाका आपको दिखाया था अभी सारा का सारा अंधेरा हो गया। आई डोंट नो आप कितना देख पाओगे। सो दिस वाज द एरिया वेयर वी वर सीटेड। आगे देखिए, बिल्कुल घन घोर अंधेरा भाई साहब। इधर तो आम के पेड़ तक नहीं दिख रहे, बस खाली इन पे जो वाइट लाइनिंग कर रखी वो दिख रही है। आगे थोड़ी लाइट खुली है, उसके आगे गेट है जिसके आगे जाने से हमको मना किया है। तो चलिए जल्दी 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 चलते हैं। ये हमारी कार पार्क्ड है, ये वही पार्किंग एरिया और ये वही एरिया जो आपको शाम को मैंने दिखाया था जब सनसेट हो रहा था। तो ये देखिए, दूर पे हमारा आशियाना है, ये गेट खुला है और इसके आगे तो गाइस मेरे ख्याल से तो जाना सही नहीं होगा, क्योंकि आई गेस आपको भी कुछ नहीं दिख रहा होगा। सो इट्स हाई टाइम वी वॉक बैक। इस चीज़ का भी मज़ा है। सो इन केस अगर आपको ऐसी नेचुरल जगहों पे स्टे करना पसंद है, थोड़ा सा रिस्क तो रहता है, बट देन इट्स प्रीटी गुड आउट हियर। इस जगह का पूरा जो लोकेशन है, जो रिजॉर्ट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा विद द कॉन्टैक्ट नंबर इन केस इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट दिस प्लेस। सो फ्रेंड्स, ये हमारा खाना आ चुका है। इफ़ यू लुक हियर, दैट इज वंडरफुल मटन एंड राइस। और यहाँ पे अपनी पहाड़ी दाल आ गई है। सो मटन राइस, पहाड़ी दाल, और ये जो रोटी है नीचे, तो आपको गेहूं की रोटी दिख रही होंगी, ये अपनी मड़वे की रोटी है। जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं यहाँ पे, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ रागी। रागी को हमारे यहाँ मड़वा बोला जाता है, ये उसी चीज़ की रोटी है। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गो अहेड एंड Have this scrumptious dinner जो भैया ने बना के लाया। वाओ, मड़वे की रोटी द रागी। सो गाइस, डिनर तो हो गया, जस्ट हैविंग माई टी यहाँ पे रखी है। अभी भैया का फोन आया था, आई थॉट दैट ही वुड बी हियर विद अस, लेकिन उनका फ़ोन आया कि द लेपर्ड हैज स्टार्टेड ग्राउलिंग उनके यहाँ पे। सो मैंने बोला भैया आप वहाँ रहिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्क तो है क्योंकि ये जगह ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, बट देन अभी मैं भी अंदर जा रहा हूँ। एवरीवन, वेल इट वाज अ वंडरफुल नाइट लास्ट नाइट, और आज अब हम निकल रहे। सो रास्ते में तो क्या ही दिखाऊँगा, इस व्लॉग को यहाँ पे तो एंड ही करूँगा, क्योंकि क्या पता कुछ दिखाने को मिल जाए। तो सफ़र में बने रहिए। नाउ इट्स टाइम टू मूव बैक होम, घर पे भी सब वेट कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे। सो गाइस, बढ़ते हुए अपने सफ़र में हम लोग आ गए हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर। उत्तराखंड को बोलेंगे अलविदा, और ये चेक उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे उत्तर प्रदेश। सो देयर वी गो, वी आर इन यूपी। सो गाइस, पहुंच चुके हैं मुरादाबाद, रुके हैं यहाँ पे मुरादाबाद आउटस्कर्ट्स में। ये रास्ता दिल्ली जा रहा है सीधे, और आपको देखा यहाँ से नज़ारा कुछ।
सो द रिवर दैट यू कैन सी हियर, ये रामगंगा है। लोग इसमें फिशिंग कर रहे हैं, दूर से दिख नहीं रहे। एंड इट्स काइंड ऑफ ब्यूटीफुल यहाँ पे, तो फॉग भी नहीं है, बहुत हैवी ट्रैफिक है यहाँ पे, एक्सप्रेसवे है ये। सो आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। काफ़ी खूबसूरत इलाका, आप नीचे भी जा सकते हैं यहाँ से, आई डोंट नो इफ इट्स सेफ और नॉट। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए आपको थोड़ा क्लोजर लुक दिखाता हूँ यहाँ से, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अब देखिए आप क्लोज टू रामगंगा, यहाँ पे भाई साहब फिशिंग कर रहे हैं, ये देखिए। नाइस, काफी लंबी रिवर है। सो फोक्स, भूख लग गई यार, सॉरी। सो गाइस, लंच हो गया, अब चलते हैं धीरे धीरे अपने आशियाने की ओर, एंड लेट्स मीट माय फैमिली। सी यू।